सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेक्निकल डॉग्स। सो गाइज, आज की वीडियो में बात करेंगे होंडा सी बी आर 1000 आर के बारे में, इसकी इंडिया की प्राइस, लॉन्च, स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। गैस, मुझे पता है शुरुआत में बहुत ज्यादा जल्दी बोल गया, ऐसे मेरी ट्रेन छूटी थी। कोई बात नहीं गैस, वीडियो को लाइक कर देना, इससे मेरे चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाएगी। छोटी सी क्या, बहुत बड़ी सी एक स्माइल आ जाएगी। सो गैस, शुरुआत करते हैं इंजन और गियर बॉक्स से। तो इंजन जो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा वो 999.9 cc का, यानी कि 1000 cc का, 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर, DOHC का, वाटर कूल्ड PGM-FI BS6 का इंजन देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। तो गाइज, DOHC और वाटर कूल्ड इंजन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि PGM-FI के साथ आएगा, यानी कि प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन के साथ आएगा। गाइज, बात करें इस इंजन के मैक्सिमम पावर की, 214 हॉर्स पावर का इसकी मैक्सिमम पावर होने वाली, जो कि होगी 14,500 RPM पे। और मैक्स टॉर्क जो होने वाला है इस इंजन का, वो होने वाला है 113 Nm का, जो कि होने वाला है 12,500 RPM पे। गाइस, इग्निशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन आपको देखने को मिल जाएगा इस बाइक में, जो कि डिजिटल ट्रांजिस्टर के साथ आएगा। गाइस, इस बाइक के गियर्स की बात करें तो 6 गियर्स इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो क्लच की बात करें तो इसका वेट मल्टीप्लेट हाइड्रोलिक क्लच आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। और इस क्लच ऑपरेशन की बात करें तो केबल वाला क्लच आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और जो फाइनल ड्राइव है, जो कि इंजन की पावर पीछे वाले व्हील्स तक लेके जाती है, वो चेन ड्राइव, यानी कि चेन वहाँ पे होने वाली है। अब गाइस, बात करें ब्रेक्स और टायर्स की। तो गाइस, सबसे पहले फ्रंट ब्रेक की बात करें तो 330 mm का डुअल डिस्क ब्रेक्स आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगे। और रियर ब्रेक्स की बात करें तो 220 mm के डिस्क ब्रेक्स आपको देखने को मिलेंगे डुअल पिस्टन के साथ। गाइस, फ्रंट टायर के साइज की बात करें तो 120x70 के ZR17 टायर्स आपको देखने को मिलेंगे फ्रंट में। और रियर टायर की बात करें तो 200x55 के ZR17 टायर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। और इस फ्रंट व्हील की बात करें तो 17 इंच के 3.5 वाले टायर आपको व्हील आपको देखने को मिलेगा फ्रंट में। और रियर व्हील की बात करें तो 17 इंच के 6.0 इंच वाले टायर आपको देखने को मिलने वाले हैं इसमें। अब गाइस, सस्पेंशन और चेसिस की बात करें तो फ्रंट सस्पेंशन आपको इसमें शोवा का BPF 43 mm का टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। और रियर सस्पेंशन की बात करें तो शोवा के ही BFR C Pro वाले लिंक स्विंग आर्म, यानी कि मोनोशॉक सस्पेंशन आपको रियर में देखने को मिलेंगे। गाइस, मुझे पता है काफ़ी सारी टेक्निकल टर्म्स बता दी मैंने इसमें, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चला गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये डिटेल अच्छी लगी, या फिर सिंपली आपको बस ये जानना है कैसा सस्पेंशन आपको इसमें मिलने वाला है। अगर इस बात करें इस बाइक के फ्रेम की, तो ट्विन ट्यूब एल्यूमिनियम का आपको इसमें फ्रेम देखने को मिल जाएगा। अगर इस बात करें इस बाइक के डायमेंशंस और वेट की, अगर इस लंबाई की बात करें तो 2099 यानी कि 2099 mm की इसकी लंबाई होने वाली है। जो चौड़ाई है इस बाइक की वो है 762.4 mm की। और जो हाइट है, यानी कि ऊंचाई जो होगी इसकी 1136 यानी कि 1136 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 118.6 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की बात करें तो 831 mm की सीट हाइट है इसमें। व्हील बेस की बात करें तो 1455 mm का इसमें व्हील बेस देखने को मिल जाता है। और इस बाइक की टोटल वजन की बात करें तो 202 kg का इस बाइक का वजन आपको देखने को मिल जाता है। अब गाइस, बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 16.1 लीटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आपको इस बाइक में मिल जाती है। और जो इंजन ऑयल की कैपेसिटी है वो है 3.8 लीटर की, यानी कि 3.8 लीटर की। गाइस, मुझे माफ़ करना हिंदी इंग्लिश बीच में बार बार रिपीट करो, कोई बात नहीं गाइस। अब इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स की बात करें तो स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है आपको इसमें, टैकोमीटर देखने को मिल जाता है, ट्रिप मीटर देखने को मिल जाता है, ओडोमीटर देखने को मिल जाता है, घड़ी देखने को मिल जाती है, और फ्यूल वॉच देखने को मिल जाता है, जो कि सारी चीज़ें इसमें डिजिटल देखने को आपको मिल जाती है। ABS लाइट आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। RPM या गियर के डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। लो फ्यूल वार्निंग लाइट देखने को मिल जाएगी। गियर इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। और लो ऑयल इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएगा। लो बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। डिस्टेंस टू एम्प्टी, यानी कि कितनी दूरी पे, कितने किलोमीटर पे आपका फ्यूल खत्म होने वाला है, वो मीटर आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब वो दूरी दिख जाएगी आपको। और मेल फंक्शन इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, आपके इंजन में कुछ भी घपला हुआ तो वो आपको बता देगा इंडिकेटर। बहुत सारे इंडिकेटर थे गाइस, मैं थक गया बता बता के। तो गाइस, बैटरी और लाइटिंग की बात करें तो बैटरी टाइप की बात करें तो YTZ7S की 75 आपको बैटरी देखने को मिल जाती है इस बाइक में। और कैपेसिटी की बात करें तो 6 Ah की बैटरी है ये। वोल्टेज की बात करें तो 12 V की इसमें बैटरी देखने को मिलेगी। और हेडलाइट की बात करें तो LED हेडलाइट मिलेगा। और टेल लाइट की बात करें तो वो भी आपको LED देखने को मिलेगा, जो कि हेडलाइट आपको मिलेगी AHO के साथ। AHO यानी कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन, अंधेरे में या रात में आपकी हेडलाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। अब गाइस, बात करें कंफर्ट और
कन्वीनियंस के फीचर्स की, कंफर्ट की। तो यूएसबी चार्जिंग आपको मिल जाएगी, ऑप्शनल होगी, आप चाहे तो इसका वाला मॉडल ले सकते हो, वरना आप बिना चार्जिंग के भी जा सकते हो। चार्जिंग लेना गाइस है ना, मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगे भी। और सेल्फ कैंसिलिंग इंडिकेटर्स मिलेंगे, और इंजन किल स्विच देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक स्टार्ट देखने को मिल जाएगा, डिफरेंट राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाएंगे अलग अलग आपको इस बाइक में, स्टेप अप सीट या स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाएगा, और पिलो फुटरेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब गाइस मिसलेनियस फीचर्स की बात करें, मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन की जो भी कह सकते हो, कास्टर जो है 24.1 डिग्री का मिलेगा, और ट्रेल जो होगी 101.4 मिलीमीटर की देखने को मिलेगी। अगर माइलेज और टॉप स्पीड की बात करें, तो इस बाइक की जो माइलेज है 16 किलोमीटर पर लीटर की इसकी माइलेज है, 1000 सीसी के बाइक के सेगमेंट से काफ़ी अच्छी माइलेज है इसकी। और परफॉर्मेंस की बात करें तो 0 to 100 की स्पीड में ये 2.9 सेकंड में चली गई थी, और टॉप स्पीड की बात करें तो 299 किलोमीटर पर आर की इसकी टॉप स्पीड है। इस प्राइस की बात करें तो इंडिया में 15 से लेकर 24 लाख के बीच में इसकी प्राइस होने वाली है अराउंड, और टैक्सेस के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है, ये तो बस एक्सपेक्टेड प्राइस है। अब देखते हैं होंडा इसको किस प्राइस में लॉन्च करता है, और इसके सेगमेंट में ज़्यादातर बाइक तो है नहीं इतनी कुछ इंडिया में, एक BMW की है उसकी भी काफ़ी वीडियो जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लेना। और गाइस बात करें लॉन्च डेट की, तो ये बाइक मिड अगस्त ऑफ 2021 तक लॉन्च हो सकती है बाइक, एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है गाइस, क्योंकि 2020 के एंड तक का लॉन्च था, लेकिन अभी नवंबर आ चुका है और अभी तक बाइक की कुछ ज़्यादा बातें हो नहीं रही होंडा की तरफ से, तो इसी उम्मीद में है कि अब नेक्स्ट ईयर के अगस्त तक आपकी ये बाइक लॉन्च हो जाएगी। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो लाइक करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना @technicaldogs, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट करना प्यारा सा, या जो भी फीडबैक देना चाहते हो उसको कमेंट करके ज़रूर बताना, और गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, कोरोना का ध्यान रखना, और बाय।